शुद्ध देसी किचन पे दाल खिचड़ी बनाने जा रहे हैं। मकर संक्रांति का भी स्पेशल होता है और दाल खिचड़ी खाना भी वैसे भी इजी और सही सरल उपाय है, आधे घंटे में बनने वाली। तो ये 250 ग्राम चावल और यह 100 ग्राम मूंग का दाल, इसको टोप में धो के हल्दी नमक डाल के उबालने के लिए छोड़ देंगे। देखिए मकर संक्रांति का दाल खिचड़ी बन के रेडी है। ये कुकर में सीटी लगा के, एक सीटी लगा के बन के रेडी है। अब इसमें तड़का लगाएंगे, वो सामग्री आपको बताएंगे। ये तड़का लगाने का सामग्री है, इसमें जीरा है, राई है, तेज पत्ता है, लाल अखा मिर्ची है, ये लहसुन का बारीक बारीक चॉप किया हुआ है, गार्लिक जिसको बोलते हैं, अदरक जिंजर है, हरी मिर्च है, करी पत्ता है और प्याज है, एक अखा काटा हुआ बारीक बारीक। अब इसमें तड़का लगाने का, अब इसमें एक चम्मच घी डाल देंगे, फैला दीजिए पिघल जाए। अभी देखिए गरम घी, इसमें राई जीरा जो है ये पहले डाल देते हैं, उसके बाद ये तेज पत्ता और लाल मिर्च जो रखा वो डालेंगे, इसके बाद लहसुन डाल देंगे, लहसुन को हल्का फ्राई होने दीजिएगा, इसके बाद हरी मिर्ची और ये जो काटा हुआ करी पत्ता, अदरक जो वो डाल देंगे, हाफ चम्मच हींग डाल देंगे इसके अंदर, थोड़ा सा हींग को गलने दीजिए, उसके बाद ये कांदा चॉप्स किया हुआ वो डाल देंगे एक, अच्छे से फ्राई कर लीजिए, थोड़ा लाल हो जाए कांदा। उसके बाद उसमें मसाला बताने का आपको सामग्री बताएंगे। तो अपने अपने घर पे शुद्ध देसी किचन खोलिए और अपने घर पे बनाने का जो सामग्री है वो सीखिए और दाल खिचड़ी बना के खाइए। ये हाफ चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, हाफ चम्मच गरम मसाला, अभी इसको अच्छे से मिक्स कर दूँ, एकदम लाल हो जाए मसाला। देखिए बारीक बारीक कटा हुआ कोथमीर जो है वो डाल देंगे फ्लेवर के लिए, ऊपर से भी हल्का डालते हैं, मसाला के अंदर भी डालेंगे। ये रेडी है दाल खिचड़ी आपके लिए। सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिए। इसके साथ आपको सलाद और एक मसाला पापड़ दिखा रहे हैं। ये दाल खिचड़ी बनके रेडी है, मसाला पापड़ और विद सलाद के साथ मकर संक्रांति का स्पेशल डिश रेडी है आपको शुद्ध देसी किचन पे। इस पे हल्का सा काली मिर्च डाल देंगे, इसके बाद बारीक बारीक कटा हुआ ये कांदा डाल देंगे इसके ऊपर, ये टमाटर है ये डाल देंगे, उसके बाद जीरा पाउडर ये डाल देंगे इसके ऊपर, हल्का सा लाल मिर्च पाउडर इसको डाल देंगे। ये आपको बनके रेडी है शुद्ध देसी किचन पे मसाला खिचड़ी सलाद विद मसाला पापड़। शुद्ध देसी किचन पे जाइए, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।